प्रिय छात्रों, मैं दिलीप कुमार, संस्कृत शिक्षक, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। क्लास सिक्स, विषय संस्कृत, दूसरा पाठ। मम प्रिय विद्यालय, मेरा प्रिय विद्यालय, दूसरा पाठ का शीर्षक है मम प्रिय विद्यालय, मेरा प्रिय विद्यालय। पाठ प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ईश का अर्थ होता है यह, मम का अर्थ होता है मेरा, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, प्रतिदिनम प्रतिदिन रोज, गच्छामि मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होगा, पठामि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, पठामि भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होगा, लेखम लेख को, अनेकानि बहुत से, मित्रहि सह मित्रों के साथ, क्रीड़ामि मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, क्रीड़ामि का भी प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होगा, अस्माकम हमारे, चित्रानि चित्र तस्वीर, वयम हम, मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर, पश्यामः हम देखते हैं, गीतानि गीत, गायामः हम सब गाते हैं, क्रीड़ांगणे खेल के मैदान में, स्नेहेन प्यार से, पाठयन्ति का अर्थ होता है पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, अध्यापक और अध्यापिका दोनों के लिए प्रयोग, यदा जब, अवकाशः का अर्थ होता है छुट्टी, एव ही आगच्छामः हम आते हैं, कुर्मः हम करते हैं, आगच्छन्तु पाठं पठामः, एषः विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है, एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है, मम विद्यालय सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है, मम विद्यालय विशालः अपि अस्ति, मेरा विद्यालय बड़ा भी है, अहम् प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम् विद्यालये प्रतिदिनं पाठं पठामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन पाठ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, अहम् विद्यालये प्रतिदिनं लेखम् अपि लिखामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन लेख भी लिखता हूँ या लिखती हूँ, विद्यालये मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, विद्यालय में मेरे अनेक मित्र हैं, पेज नंबर 12, अहम् मित्रहि सह क्रीड़ामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ या मैं मित्रों के साथ खेलती हूँ, अस्माकं विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति, हमारे विद्यालय में अनेक चित्र हैं, चित्राणि सुंदराणि सन्ति, चित्र सुंदर हैं, वयं मिलित्वा सुंदराणि चित्राणि पश्यामः, हम सब मिलकर के सुंदर चित्रों को देखते हैं, वयं मिलित्वा गीतानि अपि गायामः, हम सब मिलकर के गीत भी गाते हैं,
वयम् मिलित्वा क्रीडांगने क्रीडामः धावामः च। हम सब मिलकर के खेल के मैदान में खेलते हैं और दौड़ते हैं। अस्माकम् अध्यापकः अध्यापिकाः च स्नेहेन पाठयन्ति। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं स्नेह से पढ़ाती हैं। वयम् अपि स्नेहेन पठामः। हम सब भी स्नेह से पढ़ते हैं। अध्यापकानां च सम्मानं कुर्मः। और अध्यापकों का सम्मान करते हैं। यदा अवकाशः भवति वयम् मिलित्वा एव गृहम् आगच्छामः। जब छुट्टी होती है हम सब मिलकर ही घर आते हैं। वयम् मिलित्वा एव गृह कार्यम् कुर्मः क्रीडामः च। हम सब मिलकर ही गृह कार्य करते हैं और खेलते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा पाठ आप लोगों का पूरा हुआ। पेज नंबर 14 अभ्यास कार्य एक्सरसाइज। पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ पढ़ करके लिखना है आम या न। अर्थात जो प्रश्न का उत्तर सही है उसके सामने आम लिखना है और जो प्रश्न का उत्तर गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला क्वेश्चन का पहला किम मम विद्यालय सुंदर अस्ति। प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम विद्यालय विशाल अपि अस्ति। प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम अहम गीतं लिखामि। इस प्रश्न का उत्तर होगा न। किम अहम मित्रैः सह क्रीडामि। इस प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम अस्माकम् अध्यापकः स्नेहेन पाठयन्ति। प्रश्न का उत्तर होगा आम। दूसरा प्रश्न मंजूषायां प्रदत्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। बॉक्स में दिए गए पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 अहम् प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। विद्यालये प्रतिदिनं पाठं पठामि। प्रतिदिनं लेखमपि लिखामि। वयं मिलित्वा गीतानि गायामः। वयं सुन्दराणि चित्राणि पश्यामः। तीसरा प्रश्न उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु। उचित पर्यायपद को चुन करके लिखिए। विद्यालयः का पर्यायपद पाठशाला। सुन्दरः का पर्यायपद शोभनः। प्रतिदिनं का पर्यायपद नित्यम्। क्रीडांगने का पर्यायपद क्रीडाक्षेत्रे। सम्मानम् का पर्यायपद होगा आदरः। क्वेश्चन नंबर 4 पाठं पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। पाठ पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलना है और लिखना है। पहला क्वेश्चन एषः कः अस्ति। प्रश्न का उत्तर होगा विद्यालयः। विद्यालये कानि सुन्दराणि सन्ति। इस प्रश्न का उत्तर होगा चित्राणि। विद्यालये अहम् कहि सह क्रीडामि। प्रश्न का उत्तर होगा मित्रैः। वयम् कुत्र क्रीडामः धावामः च। प्रश्न का उत्तर होगा क्रीडांगणे। वयम् केषां सम्मानं कुर्मः। प्रश्न का उत्तर होगा अध्यापकानाम्। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 15 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलना है और लिखना है। पहला प्रश्न कः विशालः अस्ति। प्रश्न का उत्तर होगा विद्यालयः विशालः अस्ति।
दूसरा प्रश्न, विद्यालये अनेकानि कानि सन्ति? प्रश्न का उत्तर होगा विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति। तीसरा, के स्नेहेन पाठयन्ति? इस प्रश्न का उत्तर होगा अध्यापकः स्नेहेन पाठयन्ति। नंबर फोर, कस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मम अनेकानि मित्राणि सन्ति। नंबर फाइव, वयं मिलित्वा किं कुर्मः? इस प्रश्न का उत्तर होगा वयं मिलित्वा गृह कार्यं कुर्मः। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मंजूषातः अर्थात मंजूषा से, हेल्प बॉक्स से उचितम वाक्यम चित्वा, उचित वाक्य को चुन करके चित्राणाम समक्षम लिखन्तु, चित्र के सामने लिखना है। बालः नमति, बालः चलति, बालः लिखति, बालः पठति। व्याकरण कार्यम पेज नंबर 17, एतत् तत् और किम, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिया गया है आपकी बुक में, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। पेज नंबर 22 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में एषः बालकः, एतो बालकौ, एते बालकः, इसके प्रश्न के लिए एषः कः, एतो कौ, एते के, स्त्रीलिंग में एषः बालिका, एते बालिके, एतः बालिकः, प्रश्न के लिए एषः कः, एते के, एतः कः, नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में एतत् पुस्तकम्, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि, प्रश्न के लिए एतत् किम्, एते के, एतानि कानि, सः छात्रः, तौ छात्रौ, ते छात्रः, स्त्रीलिंग में सा छात्रः, ते छात्रेः, तः छात्रः, नपुंसक लिंग में तत् फलम्, ते फले और तानि फलानि। जितने भी प्रश्न कराया गया है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके लिए भेज रहा हूँ, और गृह कार्य भी पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ। आप सभी प्रश्नों का उत्तर याद करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। लो बिट्टू।